हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के बारे में। तो जो भी जानकारी है वो सभी देखेंगे, इसमें कितनी डिस्टेंस है और कितने कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, ठीक है, जो भी है वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन बनने जा रही है, ठीक है। कौन सी है? कांडला से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तो ये जा रही है आपकी गोरखपुर के, ये देखो, ये यहाँ से कांडला से, ठीक है, ये देखें तो कांडला से कहाँ तक, गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर तक इतनी लंबी गैस पाइपलाइन है, करीब 2800 किलोमीटर, ठीक है, 2800 किलोमीटर लंबी है। तो ये सबसे ज़्यादा लंबी इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जो कि करीब 34 करोड़, ठीक है, 34 करोड़ इससे लाभान्वित होंगे व्यक्ति, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये देखिए, ये दिया है पूरा। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, तो ये देख लीजिए, ये है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये कांडला से होकर, ये गुजरात का कांडला हो गया, कांडला से होकर ये इस तरह से, और ये यहाँ से ये मध्य प्रदेश गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश से ही एंट्री करेगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये यूपी में एंट्री करती है यहाँ से ललितपुर से, ठीक है, ये ललितपुर से एंट्री करते हुए झांसी से होकर कानपुर, उन्नाव और लखनऊ, लखनऊ के बाद ये इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से गोरखपुर, ये इस तरह से गुजरेगी, ठीक है। छोटे छोटे जिलों के इसमें नाम नहीं है, मतलब बड़े बड़े जिलों के नाम ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पाइपलाइन जाएगी, और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है, ठीक है। तो ये गैस पाइपलाइन है, देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी ये तीन कंपनियां मिलके बना रही हैं, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गई, इंडियन ऑयल, और आपका एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, तो जो कि ये स्क्रीन पर लिखा भी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम हिस्सेदारी देखें तो इंडियन ऑयल की 50% की हिस्सेदारी है, ठीक है, 50%, और अगर BPCL की देखें तो 25%, और अगर HPCL की देखें तो 25%, ठीक है, इनकी इतनी इतनी हिस्सेदारी है। और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगी, मेन बात ये है, ये आपकी ये जो गैस पाइपलाइन है ये 2022 से 2024 तक बन के तैयार हो जाएगी। 19 में इसका रखा गया था, ठीक है, स्टार्ट की गई थी। और ये तो पता चल गया किस किन किन वहाँ से गुजरेगी, किन किन राज्यों से, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, और 34 करोड़ इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में तो ये देखिए, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में कितने किलोमीटर ये गुजर रही, ठीक है, और यूपी से कितना और एमपी से कितना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसे साइड में कर दूँ, तो अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात से कितने किलोमीटर, नहीं आ रहा है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से कितने किलोमीटर, तो ये 1076 किलोमीटर की पाइपलाइन गुजरात से गुजरेगी, ठीक है। और एमपी से देखें तो एमपी से करीब 621 किलोमीटर की, और अगर मैं देखूँ यूपी की बात करूँ तो यूपी से 18 जिलों से गुजरेगी, यूपी के 18 जिलों से करीब 1108, ठीक है, 1108 किलोमीटर, ठीक है। तो यूपी से 1108 किलोमीटर, एमपी से 621, और गुजरात से 1076, टोटल लंबाई अगर देखें तो करीब 2800 किलोमीटर, ठीक है। तो आयात, ये गैस के मामले में, आयात में, गैस के आयात के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉलेज थी, और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है, और बताना यदि आपके ज़िले से गुजर रही हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।